देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जूही। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। डोटासरा बोले, आखिर किस दबाव में है मशीनरी? कांग्रेस की तरफ से किस शिकायतें की गई, लेकिन किसी पर भी नोटिस जारी नहीं किया गया। बता दें, बीजेपी नेताओं के भाषण और बयानों को लेकर कांग्रेस ने किस शिकायतें की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर घायल हो गई। इस बार हादसा दुर्गापुर में हुआ। ममता बनर्जी दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर से जा रही थी, तभी हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान अचानक वहां गिर गई। हालांकि साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड ने स्थिति को संभाल ली। धौलपुर शहर की सबसे अधिक पोश मित्तल कॉलोनी में कब्रें ही कब्रें निकल रही है। कब्रों ने मित्तल बंधु का भू कारोबार प्रभावित कर दिया है। कई खरीदारों को पैसे वापस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कब्रों की बात छिपाने के लिए मित्तल बंधु ने बहुत सी कब्रों को मिट्टी डालकर बंद करवा दिया है। वही खरीदारों ने मित्तल बंधु के प्रॉपर्टी डीलर से भुगतान के एवज में दिए पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस हनुमान मलधाका को एफपीओ कर दिया है। साथ ही उनके बैंक खातों लॉकरों की जांच शुरू कर दी है। बता दें, हनुमान मलधाका ने 25 लाख रुपए की घूस मांगी। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि पेपर लीक का खेल बहुत बड़ा है, अभी तो यह शुरुआत है, इसलिए राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं 2005 से समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे सबके सामने आ सके कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ किस प्रकार से कितनी भर्तियों में कितने बड़े लेवल पर खिलवाड़ हुआ है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब दीपक के तौर तरीकों से आपत्ति जताई है लोगों ने। बेलगवी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। हुबली में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। परिवार ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने फिर से तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, जिससे हमारी बेटियों के जीवन की कोई परवाह नहीं है। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने आम आदमी विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर से समन भेजा है। उन्हें सोमवार 29 अप्रैल को पेश होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 27 अप्रैल को जमानत दी थी। राजस्थान में 15 साल से जड़े जमा चुके पेपर लीक माफिया बेनकाब होने लगे हैं। प्रदेश में 4 माह पहले गठित एंटी चीटिंग सेल बनी थी। अब तक 10 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक की कड़ियां जोड़ते हुए एसओजी ने 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी की 3000 पत्रों की खबर रिपोर्ट खंगाली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। नकल गिरोह के 5 मास्टरमाइंड अपने 2000 से ज्यादा रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। ये सभी फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट और पेपर लीक के जरिए नौकरी लगे हैं। अजमेर मौलाना की हत्या के मामले में पुलिस सीसीटीवी में नजर आए बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आज खबर दिनभर में सिर्फ इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सिर्फ रूबर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।